हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम RJ45 कनेक्टर पंच कैसे करते हैं वो बताएंगे हम आपको। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये Cat6 केबल है। दूसरा, ये आपको RJ45 पंच करने का जो क्रिम्पिंग टूल होता है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये RJ45 कनेक्टर देख सकते हैं आप। सबसे पहले इसको हम यहाँ से कट करेंगे। इस तरह से हम इसको राउंड घुमा के देखिए यहाँ से कट हो। कट करने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद सबको अलग कर लेंगे हम। अलग करने के बाद ये जो PVC का जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद सबसे पहले कलर कोडिंग इसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसको आपस में खोल के सबसे पहले सीधी कर लेंगे। कैट्स केवल अच्छी क्वालिटी का लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सबसे पहले सभी वायर को खोल के हम सीधी कर लेंगे। सीधी करने के बाद हम कलर कोड इसका यूज़ करेंगे। कलर कोड यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ऑरेंज का वाइट, फिर ऑरेंज, फिर आपका ग्रीन का वाइट लेंगे, फिर इसके बाद ब्लू लेंगे, ग्रीन वाइट के बाद ब्लू ले लेंगे, ब्लू के बाद हम ब्लू वाइट लेंगे, उसके बाद हम फिर से ग्रीन ले लेंगे, ग्रीन के बाद ब्राउन वाइट लेंगे, ब्राउन वाइट, उसके बाद ब्राउन ले लेंगे। ये हमारा कलर कोडिंग हो गया। ये ऑरेंज वाइट हो गया, ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, ब्राउन वाइट, ब्राउन। इसको बराबर करके हम यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद फिर RJ45 का ये लेंगे और जिसका जो ये क्लिप रहता है इसको नीचे की तरफ रखेंगे। ऊपर देख रहे होंगे क्लिप, इसको नीचे की तरफ रख के ये सभी पेयर को इसमें अंदर डाल देंगे हम। देखिए, और डालने के बाद ये जो आपका कवर है इसको बढ़िया तरीके से अंदर कर लेंगे हम। ये देखिए कवर आपका हमारा यहाँ तक पहुँच गया।
क्रिम्पिंग टूल के मदद से इसे पंच करेंगे। देखिए इसमें डालें और इसको दबा के हम पंच कर देंगे। ये हमारे लिए पंच है, काफी अच्छी तरीके से पंच हो गया है। सेम यही चीज दूसरे साइड करेंगे, दूसरे साइड भी हम इसको सबसे पहले कट कर लेते हैं। ये हमारा देखिए RJ45 लाइन ये बन के तैयार हो गया है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से बन गया है। तो आज का वीडियो में हम बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।